प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। झाड़ौल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बांकुरा पुलिस थाना क्षेत्र के जेगला में पैंथर ने भैंस के बछड़े को बनाया अपना निवाला। पैंथर के हमले की घटना सुनते ही लोगों में छनछनी फैल गई, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। आपको बता दें, जेगला निवासी इमराज पिता कमा भगोरा हमेला फला में रात्रि करीबन 3 बजे घर के बाहर बंधे गाय भैंसों के बीच में आकर भैंस के बछड़े को अपना शिकार बना लिया। सवेरे उठकर देखा तो पता चला कि बछड़े को तहस नहस मरा हुआ मिला। हालांकि पैंथर को देखा नहीं है। वहां लगे निशानों से बताया जा रहा है कि हमला पैंथर द्वारा किया जा रहा है। जेगड़ा सरपंच कालूलाल ने बताया कि घटना की जानकारी वन विभाग व बागपुरा पुलिस को दी, जिस पर बागपुरा पुलिस व वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामवासियों में भय का माहौल फैल गया है। समय रहते प्रशासन उचित प्रबंधन करे, जिससे आगे और कोई जनहानि नहीं हो। ग्राम पंचायत के गांव जेगड़ा में ही हमारे यहाँ हेमराज जी के घर के पास बंधे हुए भैंस के बछड़े को आज लेपर्ड ने सपेट में लिया, उसको मार दिया है। ये करीबन 2-3 बजे की बात है, रात की। सुबह जब उठे सारा डालने तो उन्होंने देखा, फिर गांव के एकत्रित भी हुए। मैं भी आया वहाँ, देखा आसपास उस पैंथर के ही पैरों के निशान नजर आए। इसलिए प्रशासन को भी अवगत कराया, पुलिस थाने को, फान थाने में थानेदार साहब और पुलिस टीम भी आई, मौके पर देखे गए। वन विभाग वालों को भी सूचना करी, वहाँ से भी आए, मौका देख कर गए। आगे चलकर प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि आगे ऐसी और कोई घटना ना हो। लोगों, ये घटना होने के बाद लोगों में भय फैला हुआ है हमारे यहाँ, इसलिए उचित व्यवस्था करवा कर उसको पकड़वाने की कोशिश करें, पकड़वाएं, ताकि हमारे गांव में और कहीं नुकसान नहीं हो, जनहानि ना हो। धन्यवाद।